इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स यानी कि वर्ग हैं? पिक्चर को और ध्यान से देखते हैं। और आपका क्वेश्चन है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले सेंटर वाले 14 स्क्वायर्स यानी कि जो इस स्क्वायर के अंदर हैं, और उसमें साइड्स वाले 4 और ऐड कर दो, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और जो अब बन गया टोटल 18। और यही आपका आंसर है। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी मुश्किल क्वेश्चंस मेरे से भी जल्दी निकाल पाओगे। तो चलिए जानते हैं इन क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक्स को, और साथ ही बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखते हैं, और उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग पार्ट 1, और इसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना। दोस्तों, एग्जाम्स में इस टॉपिक पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इनमें ये लेफ्ट वाला सिमेट्रिकल टाइप है, और जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ 3 कॉलम्स जो इस तरह से होते हैं, और 3 ही रोज हैं, यानी कि ये, और दूसरा है अनसिमेट्रिकल, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक बराबर नहीं होते। सबसे पहले सिमेट्रिकल टाइप देखते हैं। जैसे कि ये, इसमें काउंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 और एक बाहर वाला, यानी कि टोटल 5 स्क्वायर्स हैं। अब देखते हैं ये, तो अब इसमें भी काउंट करते हैं, पर सिर्फ रोज की काउंटिंग को, 1, 2 और 3। तो दोस्तों, अब ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो आपको बस इनके स्क्वायर करके ऐड करना है। तो जल्दी से इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। जो आएगा 1, 2 का आएगा 4 और 3 का आएगा 9, और अब इनका जोड़ किया तो ये बना 14, और बस यही इसका आंसर है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला याद है तो आप उससे इसको और जल्दी से कर सकते हैं, यानी कि n n+1 2n+1 / 6। इसमें n को 3 पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिकल है, तो जल्दी से नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स मार्क करिए, 1, 2, 3 और 4। अब ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो फटाफट स्क्वायर करते हैं, 1, 4, 9 और 16। अब जोड़ किया तो आया 30, जो कि इसका आंसर है। इसी प्रकार 5 और 6 वाला भी अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आप जल्दी से निकाल पाएंगे। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल टाइप, जैसे कि ये। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं, तो आपको दोनों तरफ नंबरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ये बना 1 और 2, और कॉलम्स में पहले वाला 1, फिर 2 और 3। अब दोनों तरफ के सबसे बड़े वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 3 = 6। उसके बाद इन दोनों का एक एक नंबर कम करते चलो, और ये तब तक करना है जब तक कहीं भी 1 ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद 0 आएगा तो उसको गुणा करने से सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 1 कम किया तो ये आया 1 और 3 का आया 2। अब गुणा करने से आया 2, और सिमेट्रिकल की तरह अब इनको ऐड कर दीजिए, ये बना 8, और यही इसका आंसर है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ में करिए। सबसे पहले रोज की नंबरिंग करते हैं, 1, 2 और 3। अब कॉलम को 1 पहले का है, 2, 3 और 4 सबसे बड़े नंबर्स यानी कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, जो आया 12,
उसके बाद एक एक नंबर कम करते चलना है, यानी कि यहाँ दो और यहाँ तीन गुणा करने पर छः, उसके बाद एक और दो यानी कि दो। अब इनका जोड़ करते हैं जो बना 20, यानी कि इसमें टोटल 20 स्क्वायर्स हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े। एक और देखते हैं, सबसे पहले नंबरिंग 1, 2, 3, 4। अब कॉलम्स में एक तो है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब सबसे बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 को 7 से गुणा करेंगे जो बना 28। अब एक एक कम करते चलना है, 3 × 6 = 18, 2 × 5 = 10 और लास्ट 1 × 4 मतलब कि 4। और अब इनका जोड़ किया तो आएगा 60, मतलब कि इस पूरी पिक्चर में 60 स्क्वायर्स यानी कि वर्ग हैं। चलिए दोस्तों, एक बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं, और इनमें शामिल हैं ये और ये, परंतु इन दोनों को आसानी से सोल्व करने के लिए आपको इनके बेस स्क्वायर्स का नंबर समझना होगा। और एक बेस स्क्वायर है ये जिसको हमने अभी देखा है और जिसमें केवल प्लस का साइन होता है, यानी कि ये वाला, और जिसमें अंदर के स्क्वायर्स बनते हैं 4 और एक बाहर का मिलाकर टोटल 5 स्क्वायर्स। जबकि दूसरा बेस स्क्वायर है ये, और इसमें प्लस के साइन के साथ साथ अंदर एक स्क्वायर भी होता है। तो अब इसमें अंदर के 4 स्क्वायर्स, बाहर का एक बड़ा स्क्वायर और साथ ही एक स्क्वायर ये वाला, यानी कि टोटल बनते हैं 6, जिसमें 5 तो पिछली बेस स्क्वायर वाले हैं और एक बस ये वाला ऐड हो गया। बस दोस्तों, इन दो बेस स्क्वायर्स को याद करने के बाद अब आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब फटाफट इनको सॉल्व करने के स्टेप्स के ऊपर एक झलक डालते हैं। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में आपको बेस स्क्वायर देखना है और साथ ही उसके टोटल स्क्वायर्स लिखने हैं। जैसे कि इस पिक में देखें तो ये है बेस स्क्वायर। अब इसके बाहर वाले के बेस स्क्वायर की टाइप देखो और उसके स्क्वायर्स लिखो। जैसे कि इसमें ये वाला स्क्वायर हूबहू अंदर वाले स्क्वायर की तरह ही है। इसी तरह आप सबसे बाहर वाले स्क्वायर्स की टाइप देखते जाओ और टोटल स्क्वायर लिखते जाओ। लास्ट में सबको ऐड कर दो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर कोई स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाता है जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं किया, तो उसको ऐड करना है। और इसके उल्ट अगर कोई स्क्वायर 2 बार या 3 बार ऐड हो गया है तो उसको घटाना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे अंदर का ये वाला स्क्वायर देखें तो ये हमारा बेस नंबर 1 की तरह है, यानी कि जिसमें टोटल स्क्वायर्स हैं 5। अब उसके बाहर का स्क्वायर जो हूबहू अंदर वाले स्क्वायर की तरह है, उसके भी 5 हुए, और उसी तरह सबसे बाहर वाले के भी 5 स्क्वायर बनते हैं, मतलब कि टोटल बने 15। अब ये डरावना सा देखते हैं, परंतु यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें सबसे अंदर तो ये वाला स्क्वायर प्लस साइन वाला बेस है, जिसके टोटल हुए 5 स्क्वायर्स। उसी के बाहर आए थोड़ा सो तो ये टाइप 2 का बेस स्क्वायर है, यानी कि ये वाला, और इसके बनते हैं टोटल 6। और इसी तरह सबके बाहर का जो स्क्वायर्स हैं उसके भी टोटल 6 स्क्वायर्स, यानी कि ये वाले के, तो इनका टोटल आएगा 17। और यही आपका आंसर है। एक और देखते हैं दोस्तों। इसके सेंटर वाले स्क्वायर को ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहले सिमेट्रिक वाला बेसिक टाइप है, यानी कि ये, जिसमें 3 रोज और कॉलम्स हैं। तो जल्दी से निकालते हैं इसके स्क्वायर्स, नंबरिंग की तो 1, 2 और 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऐड करना है, 1, 4, 9 मतलब कि 14। अब इसी तरह का बाहर वाला बड़ा स्क्वायर है, यानी कि ये, और इसके भी बने टोटल 14 स्क्वायर्स, यानी कि अब टोटल हुए 28।
जो कि आपको ऑप्शन में दिखेगा भी। बट दोस्तों, इसमें एक गलती है। अभी जो हमने स्केयर ऐड किए हैं उसमें ये सेंटर वाला यानी कि ये स्केयर दो बार ऐड हो गया है। जब हमने छोटे वाले स्केयर में ऐड किए उसमें भी, और जब बाहर वाले ऐड किए तब उसमें भी। तो अब उसको माइनस कर दीजिए, मतलब अब आपका आंसर आएगा 27। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते ही अब आपको बहुत सारे तरीके दिखने लगेंगे, परंतु मैं अनसिमेट्रिकल बेस वाले से करने लगा हूं। जैसे कि इसको देखो तो 3x5 के ये वाला, और उसी तरह ये वाला भी 3x5 का बॉक्स बनता है, मतलब कि दोनों एक जैसे हैं। अब बड़े नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3x5 जो आया 15, उसके बाद एक एक कम करते चलना है, 2x4 यानी कि 8, और 1x3 यानी कि 3। अब इनका टोटल बना 26। अब 3x5 के दो बॉक्स थे, मतलब टोटल हुआ 26x2 यानी कि 52। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें कॉमन पार्ट देखना है, और अगर कोई है तो उसको माइनस करना है। और ये देखिए, इसमें ये वाला 3x3 का स्क्वायर बॉक्स कॉमन पार्ट है। अब इसके सारे स्क्वायर्स निकालिए, नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, उनका स्क्वायर किया तो 1, 4, 9, टोटल बना 14। अब उसको 52 से माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 38। इसमें देखते हैं दोस्तों, हमेशा ही आपको सबसे पहले छोटे बॉक्स का रूट स्क्वायर ढूंढना है, और इसमें रूट स्क्वायर टाइप 2 है यानी कि ये वाला, और जिसके टोटल स्क्वायर्स होते हैं 6। उसी की तरह अब उसके बाहर वाला स्क्वायर यानी कि ये वाला ऐड कर दें तो टोटल आएगा 7। अब इसी तरह के 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 स्क्वायर्स इसी तरह के हैं, मतलब अब 7x4 हो गए 28। अब आपका जो रह गया है वो है बाहर वाला बड़ा स्क्वायर और उसके सेंटर में जो लाइंस हैं यानी कि ये वाला, और जो कि आपका टाइप 1 का रूट है, मतलब इसके टोटल स्क्वायर्स होते हैं 5। अब 28 और 5 ये बन गए 33। ये देखते हैं, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 5x5 का स्क्वायर है, और जिसके स्क्वायर्स आपको निकालने आते हैं यानी कि या तो रोज की काउंटिंग कर लो या फिर कॉलम्स की, और उनके स्क्वायर्स का जोड़ ऐड कर दो। नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब स्क्वायर करेंगे 1, 4, 9, 16 और 25। अब इनका टोटल आया 55। अब इस पिक्चर में 4+ वाले स्क्वायर्स भी हैं यानी कि ये वाले, परंतु दोस्तों यहाँ इस बात पर भी ध्यान दें कि हमने इनका बाहर वाला स्क्वायर ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो अब केवल हमें सभी स्क्वायर्स के सिर्फ अंदर अंदर वाले स्क्वायर चाहिए, यानी कि प्लस साइन वाले के केवल 4 स्क्वायर काउंट होंगे। तो ये 4 जगह है तो टोटल हो गए 4x4 16, और साथ ही टाइप 2 वाले बेस स्क्वायर्स यानी कि ये जो कि सारे कॉर्नर्स और एक सेंटर में है, मतलब कि टोटल है 5। अब इनके भी हमने बाहर वाला स्क्वायर काउंट नहीं करना है, तो जैसे कि इसमें स्क्वायर्स होते थे 6, अब केवल हम इसके 5 स्क्वायर्स लेंगे, तो 5x5 हो गए 25। अब सबको जोड़ करते हैं, ये 55, 16 और 25, जो बनता है टोटल 96। अब ये दो क्वेश्चंस आप सभी के लिए, जल्दी से ट्रिक्स का यूज करके इनमें टोटल स्क्वायर्स यानी कि वर्ग निकालिए, और अपने आंसर्स नीचे कमेंट करिए, और साथ ही अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी आप जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।